أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारी से YouTube चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो वजीफ़ा हम आपको बताएंगे, ये वजीफ़ा एक सूरत पर मुश्तमिल है। और प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े को आपको सुबह निहार मो यानी कि सुबह उठते ही आपको इस वजीफ़े को करना है। इंशाल्लाह इस वजीफे को करने से आपके पास इतना पैसा, इतना मालो दौलत आ जाएगा कि अगर आप गरीब हैं, आपके घर के माली हालात ठीक नहीं हैं, तो आपके घर के माली हालात इस कदर बेहतर हो जाएंगे कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपको देखते ही रह जाएंगे। ये ख़ास वजीफ़ा हमारी बहुत से भाइयों और बहनों का आजमाया हुआ वजीफ़ा है। प्यारी दोस्तों, ये ख़ास वजीफ़ा सूरह कौसर का है। हम आपको आज की इस वीडियो में सूरह कौसर को पढ़ने का एक ऐसा तरीक़ा बताएंगे यानी कि अगर आप सूरह कौसर को इस तरतीब से, इस तरीक़े से पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका हर माली मसला हल हो जाएगा, मालो दौलत की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक के फजलो करम से इंशाल्लाह गुरबत यानी गरीबी और तंगदस्ती जो है आपके घर से दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आपके घर में मालो दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। प्यारी दोस्तों, कौसर एक चश्मा है। अल्लाह तबारक व ताला ये चश्मा फैसले के दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को देगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे पहले इस मकाम पर पहुंच जाऊंगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस से ये वाज़ह होता है, इस हदीस से पता चलता है कि कौसर नदी अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मानने वालों के जमा होने का एक मकाम है। सूरह कौसर में है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से फरमाया, तू सिर्फ मुझसे दुआ कर और मुझसे जो मांगना है मुझसे मांग। यानी हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अगर दुश्मनों का खौफ है तो कुरान मजीद की इस मुख्तसर तरीन यानी कुरान पाक की ये सबसे छोटी सूरत है, आप इस सूरत की तिलावत कीजिए, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। इस तरह इस सूरत की तिलावत का फ़ायदा ये है कि अल्लाह के दुश्मनों से हिफाजत हासिल होती है। अगर आप गरीबी में हैं, आप गरीब हैं, परेशान हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये सूरत आपके लिए दौलत के वसाइल यानी दौलत के ज़राए खोल देगी। आपको नामालूम ज़राए से दौलत आती नज़र आएगी, यानी आपके पास दौलत ऐसी जगह से आएगी कि आपको ख़ुद मालूम नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाएगा, मालो दौलत अता फरमाएगा। बस अल्लाह से दुआ करें और वो सबसे ज़्यादा सखावत फरमाने वाला है। बरोज़े क़यामत हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होगी कि वो चश्मे कौसर का पानी पिए, जहाँ हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम होंगे। अगर आपका ईमान मज़बूत है और आप इस सूरह मुबारका की तिलावत फरमाते हैं, तिलावत करते हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सदक़े में आपको इस चश्मे के पानी पीने वालों में शामिल फरमाएगा। हदीस पाक में है, हमें मालूम होगा कि सूरह कौसर की तिलावत करने वाला अल्लाह ताला यकीनन इसको खाना खिलाएगा, कौसर की नहर से पानी पिलाएगा। किसको? सूरह कौसर की तिलावत करने वाले के बारे में ये बशारत है हदीस पाक में। अगर कोई शख्स हर जुमे को यानी 11 जुमा तक लगातार हर जुमे को 100 बार इस सूरत की तिलावत करता है, यानी 11 जुमे तक मुसलसल 100 बार हर जुमे को इसकी तिलावत करता है सूरह कौसर की, तो वो यकीनन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को ख्वाब में देखेगा, यानी ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी। सुबहानअल्लाह। यानी दोस्तों, कितना प्यारा वजीफ़ा है, हर रोज़ 11 जुमा तक हर जुमे को आपको अगर पढ़ना है, आपको अगर आप पढ़ लेते हैं 11 जुमा तक 100 बार हर जुमे के दिन सूरह कौसर, तो ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। इसके अलावा अगर किसी के बच्चे जब पैदा होते हैं
और ज़िंदा न रहते हों तो उन्हें ये चाहिए कि नमाज फ़ज्र के बाद 41 दिन तक 7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें, तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल सूरह कौसर की बरकत से उसकी जो नस्ल है वो ज़िंदा रहेगी। इसके अलावा जो शख्स रोज़ाना 7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करेगा, इसकी जो मालो दौलत उसमें खूब बरकत होगी, मालो दौलत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा और उसकी दौलत चोरी से भी बच जाएगी, यानी मालो दौलत की हिफाजत भी होगी और खूब इजाफा होगा, खूब बरकत भी होगी। सुबहानअल्लाह। जो सूरह कौसर की रोज़ाना 129 मरतबा तिलावत करेगा, रोज़ाना इसकी तिलावत करेगा, वो कभी भी किसी चीज़ को फरामोश नहीं करता है, यानी उसकी हर परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो जिस काम के लिए सोचेगा उसका वो काम पूरा हो जाएगा, उसे उसके मकसद में कामयाबी मिल जाएगी, उसकी वो हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो प्यारी दोस्तों, सूरह कौसर का जो वजीफ़ा आज हमको आपको बताना है वो आपको कुछ इस तरह से करना है कि सुबह निहार मो, यानी सुबह बासी मो, सुबह उठ कर फौरन, यानी प्यारे दोस्तों सुबह उठते साथ ही आपको सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर को आपको इस तरतीब से पढ़ना है कि वजीफे को शुरू करते समय आपको एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो है पढ़नी है, यानी सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद पाक आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। प्यारी दोस्तों दुरूद इब्राहिमी हम आपको एक बार पढ़कर सुना देते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों ये दुरूद इब्राहिमी है, आपको दुरूद इब्राहिमी सबसे पहले एक बार पढ़ लेना है। जब आप दुरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ लें तो उसके बाद आपको 141 मरतबा यानी 141 टाइम्स आपको सूरह कौसर को पढ़ना है। जब आप 141 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेंगे, प्यारे दोस्तों हम आपको सूरह कौसर भी पढ़कर सुना देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, आपको पढ़ना है 141 बार 141 टाइम्स। प्यारी दोस्तों फिर आपको 100 बार अल्लाह तबारक व तआला के इस नाम को यूं पढ़ना है, आपको पढ़ना है या समीउ 100 बार आपको पढ़ना है। देखें या समीउ ये हो गया एक बार, या समीउ ये हो गया दो बार, या समीउ ये हो गया तीन बार, या समीउ ये हो गया चार बार, या समीउ पांच बार, ऐसे से आपको पूरे 100 टाइम्स यानी कि आपको 100 बार पढ़ना है, 100 मरतबा या समीउ पढ़ लें। यारी दोस्तों इसमें एक बात का ख्याल रहे, आपको एक बात याद रहे कि आपको या समी आपको पहले 141 बार सूरह कौसर पढ़ लेना है आंखें खोलकर, फिर प्यारी दोस्तों आपको आंखें बंद करके या समीउ पढ़ना है, और आंखें बंद करके प्यारी दोस्तों अल्लाह ताला को याद कीजिए और अपनी परेशानियों को जहन में रखिए और दिल में इल्तजा कीजिए अल्लाह ताला से, दुआ कीजिए आपकी परेशानी दूर हो जाए। ठीक है, दिल में ये तसव्वुर कीजिए इंशाल्लाह ताला आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी, आपको आपके इस मकसद में कामयाबी मिल जाएगी, आपकी ये हाजत ये मुराद पूरी हो जाएगी। दिल में परेशानियों के बारे में सोचें, अपने परेशानियों को जहन में लाएँ और दिल में दुआ करें अल्लाह ताला से, दिल में इल्तजा करें और या समीउ आँखें बंद करके 100 बार यानी कि 100 टाइम्स पूरे पढ़ लें। प्यारी दोस्तों वीडियो को स्किप करके जो देखेंगे उन्हें बात अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके हरगिज़ ना देखें, अच्छे से बातों को सुने समझें और ठीक हमारे बताए गए तरीक़े से पढ़ें। तो मैंने अर्ज़ किया 100 बार आपको पढ़ना है या समीउ, इसके बाद आखिर में भी आपको एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। शुरू में आपको सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना था, आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें शुरू में भी आखिर में भी एक बार। अब हम वजीफे को पढ़ने का तरीका रिवाइज़ कर लेते हैं, रिविज़न कर लेते हैं। देखो प्यारे दोस्तों आपको सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है आपको,
एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपको 141 बार 141 टाइम सूरह कौसर पढ़ना है। प्यारी दोस्तों, सूरह कौसर 141 बार पढ़ने के बाद आपको 100 टाइम्स 100 बार आंखें बंद करके अपनी परेशानियों के बारे में सोच के दिल में इल्तिजा करना है रब तआला से, और 100 बार आपको या समीउ पढ़ना है, और इसके बाद आपको आखिर में भी एक बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी आखिर में भी एक बार आपको पढ़ लेना है। प्यारी दोस्तों, इसके बाद आप प्यारी दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाएं और आजजी उनके सारी के साथ गिड़गिड़ा कर रब तआला से दुआ करें। इंशाल्लाह आप जो भी दुआ करेंगे आपकी हर नेको जज दुआ कबूल हो जाएगी। आप जो कुछ भी मांगेंगे इंशाल्लाह आपको वो सब मिलेगा। मालो दौलत में खूब बरकत होगी और जो भी आपकी परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। जो भी आपकी मुरादें हैं, हाजात हैं, आपकी हाजतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। प्यारी दोस्तों, आप इस वजीफे को बिना वज़ू के भी कर सकते हैं और वज़ू के साथ भी कर सकते हैं आपको, लेकिन सुबह उठकर फौरन इस वजीफे को पढ़ना है। प्यारी दोस्तों, आप सुबह उठकर फौरन पढ़ लें या उठकर वजू करके फिर फौरन पढ़ लें आप इस वजीफे को। आपको सुबह निहार मुंह यानी बासी मुंह यानी सुबह जब भी आप उठें तो उठते साथ ही पढ़ना है। प्यारी दोस्तों, इंशाल्लाह इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से आपका जो घर है उसमें जो भी गरीबी है, मालो दौलत की परेशानी है, दौलत का मसला है, वो हल हो जाएगा, वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके घर में जो है बेपनाह मालो दौलत की बारिश हो जाएगी। तो मेरे प्यारी दोस्तों, सूरह कौसर को जो है कोशिश करें कि रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएं, यानी जब भी नमाज पढ़ें तो नमाज के बाद 11 बार 11 टाइम्स सूरह कौसर को पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से आपकी कोई भी परेशानी ऐसी नहीं रहेगी जो हल ना हो। आपकी हर नेको जज हाजत पूरी हो जाएगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी और रोज़ी रिस्क का जो भी मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। खूब बेपनाह बरकत होगी, पैसों में दौलत में खूब इजाफा होगा इंशाअल्लाह, खूब बरकत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला आपकी हर मुश्किलात को, हर जो परेशानी है, दुख है, उन सबको दूर कर देगा और कोई भी मुश्किल आपके पास नहीं आएगी। और इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से आप अल्लाह तबारक व ताला से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। प्यारी दोस्तों, ये जो हमने सुबह वाला वजीफा बताया ये आपको सिर्फ एक दिन ही करना है, रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं है। और प्यारी दोस्तों, बाकी आप चाहें तो हर नमाज के बाद 11 बार सूरह कौसर पढ़ने का मामूल बना लें, इंशाल्लाह आप इसकी बरकतें देखेंगे। लेकिन जो सुबह हमने वजीफा बताया ये अगर आपके दिमाग में सवाल होगा कितने दिन पढ़ना है, तो आपको एक दिन सुबह फौरन उठकर पढ़ लेना है। टाइम भी आपको समझ में आ गया, आपको पता भी चल गया आपको एक दिन पढ़ना है। प्यारी दोस्तों, आज हमने जो वजीफ़ा बताया आपको ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, दूसरों को भी इसकी ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को सदक़ाए जारिया की नियत से, अच्छी बात को फैलाना सदक़ाए जारिया, तो आप सवाब की नियत से सदक़ाए जारिया की नियत से इस वीडियो को हमारे दूसरे जो परेशान हाल मुसलमान भाई बहन उन तक पहुँचाएँ। परेशान हाल लोग हैं, अगर आपके जानने में जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन तक पहुँचाएँ। कम अज़ कम आप एक दो शेयर कर देंगे तो क्या पता ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारी दोस्तों बगल में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाती रहे। आइए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हम गुनहगार खताकार तेरे बंदे, तुझसे दुआ करते हैं मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी रोज़ी में, रिज़्क में, इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमा, दुनिया व आखरत दोनों की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा, दुनिया व आखरत दोनों की खूब खूब कामयाबियाँ अता फरमा। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े में जो बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो भी तेरे प्यारे प्यारे बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी, हमारी और सारी दुनिया के मुसलमानों की, जिसके भी दिल में जो भी नेक जज़ हाजत है, जिसकी जो भी नेक जज़ मुराद है, मौला अपने करम से उसके नेक जज़ हाजत को पूरा फरमा, उसके उस नेक जज़ मुराद को पूरा फरमा। अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सदक़े में हम गुनहगारों की हर नेक जज़ दुआ कबूल व मकबूल फरमा, हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमा, रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की शफात नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। प्यारी दोस्तों, कॉमेंट बॉक्स में जाइए और आमीन ज़रूर टाइप कीजिए, सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कादरी इंशाल्लाह ताला ऐसी किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूंगा, दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़।